जहां एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान के दावे करती है, स्वच्छ भारत के सपने दिखाते हैं देश की जनता को, तो वहीं दूसरी ओर कटिहार के वार्ड नंबर 8 स्थित बुद्धू चौक महाराज जी की गली में उस वक्त अचानक दर्जनों लोग इकट्ठा होकर आक्रोश में आ गए और बताया कि अनिल मंडल नामक व्यक्ति जो अपने घर के बाउंड्री को तोड़कर गंदा पानी रोड में बहा रहे हैं, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या मामला है, क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हैं? मामला यहाँ ये है कि सामने वाला बिल्डिंग वाला जो है अपना टंकी जब उसका फुल हो जाता है तो पूरा पानी रास्ता पर गिरा देता है, और ऊपर पानी का टंकी जो है पाइप भी खोल दिया और नीचे का गंदा पैखाना का पानी का भी टंकी खोल दिया। अब ये इतना गंदा पानी, हम लोग जो इधर जितना 10-20 घर है, इतना ठंडा के दिन में ठंडा पानी में हम लोग कैसे जाएंगे आएंगे? हम लोग को परेशानी है गंदगी में। जब स्वच्छ भारत का अथी मिशन चल रहा है, मोदी जी स्वच्छ भारत बना रहे हैं, तो हम लोग इतना गंदगी में क्यों रह रहे हैं? क्यों हम लोग को ये परेशानी है? इसलिए नगर निगम से हम लोग चाहते हैं कि वो अपना गंदा पानी गिराना इधर बंद करे और हम लोग को रोड बना दे। इसकी शिकायत आप लोगों ने परिवार से किया? बहुत बार शिकायत किया, अभी शिकायत किया तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग फिल्टर का पानी गिरा है। फिल्टर के पानी रास्ता में क्यों गिरे? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसका गंदा पानी गिरना बंद हो। कौन सा जगह ये? ये बुद्धू चक रोड है, वार्ड नंबर 8। आपका शुभ नाम? रेणु कुमारी। मसला क्या, इकट्ठा हुए हैं बहुत लोग यहाँ पे? हम लोग मसला ये है कि यहाँ जो है इस गली के जो आदमी है बगल में मकान अनिल मंडल का जो घर है, उसके घर से हर वक्त गंदा पानी लैट्रिन का हमारे ही रोड में गिराते हैं, और सारा कचरा जो कचरा की कोई देख नहीं सकता वो कचरा फेंकते हैं इस पर, और बोलने पर बोलते हैं कि हाँ फेंकेंगे। अभी जमीन खाली है, रोड खाली है, रोड बना नहीं ना है, बार बार इसी तरह का कहा जाता है, और बोलने पर उनके घर पर जाकर अगर कहा जाता है तो बोलता है 3 दिन गिराएंगे, आप जो कीजिए। इसकी शिकायत आपने नगर निगम से किया? हाँ, नगर निगम से किए हैं। पप्पू पासवान जो हमारे वार्ड पार्षद हैं माननीय, उनको भी कहा गया, उनको बुला कर दिखाया गया है। क्या कुछ क्या? उन्होंने कहा कि हो जाएगा, हम कह देते हैं, पर उनके हिदायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। ये पानी जो लगा हुआ है गंदा पानी, तो आप लोगों के अनुसार कब से लगा हुआ है? ये 3 दिन से गिर रहा है पानी, लगातार गिर रहा है। जी हाँ, लगातार 3 दिन से गिर रहा है। कौन सा जगह है ये? है बुद्धू चक रोड, बरमसिया में ही पड़ता है, वार्ड नंबर 8, बुद्धू चक महाराज जी के गली में। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती कुमारी रेखा। क्या पूरा मामला, क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा हुए हैं कि इनको पहले तो इनके पहले पानी गिराया था, जिसमें हम लोग जो अगर नगर निगम में केस किए। कौन गिराया था पानी? नाम? ये नाम अनिल, अनिल मंडल। पानी पहले गिराया था टंकी, क्योंकि ओवरलोड था इसका, जिसके बाद बोला कि नहीं, वो थी इंक्वायरी भी आया, जिसके बाद टंकी बना, फिर ठीक हो गया। फिर परसों से यही कर रहा। अभी हम लोग जब वहाँ गए, उनके फैमिली से मिले, भैया पानी कहता कि 3 दिन तक गिराएंगे, आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, यहाँ जेंट्स नहीं है। तो हम लोग थे, तब यहाँ की औरत सब गए, देखा, बोलता कि छत पर हम लोग काम कर रहे हैं। अरे भाई काम कर रहे हैं तो ये रोड आपका नहीं ना भाई, रोड आगे आपका है, आप आगे का पानी व्यवस्था कीजिए। अगर कुछ भी काम करना है तो व्यवस्था कीजिएगा कि दूसरे का। हम लोग गंदा पानी है, आप देख सकते हैं, कोई भी आके देख सकते हैं, टंकी का पानी वहाँ से आ रहा है। इसकी शिकायत आपने जो है नगर वार्ड मेयर से किया? वार्ड मेयर पहले इनके ऊपर हो चुका है केस, ये दूसरी शिकायत है। बार बार बोला, क्या चाहते, क्या चाहते, क्या है? ये बंद कर दे अपना रोड, हम लोग का रोड बंद। नीतिलाल मंडल। ये कौन सा जगह है? वा बरमसिया बुद्धू चक रोड, महाराज जी की गली में, वार्ड नंबर 8। एक मामला है आपके मोहल्ले का, आपके बगल में रोड गया हुआ एक, उस रोड में पानी गिर रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो गंदा पानी है, पिछले 3 दिनों से गिर रहा है, और जब आपसे आए मुलाकात करने के लिए आपके फैमिली आपके घर पे, तो आप लोगों ने कहा उनसे कि हम 3 दिन गिराएंगे, आपको जो करना है कीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप इसको? तो हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हम पानी का आयरन है वहाँ, आयरन के चलते फिल्टर बना रहे हैं, नया फिल्टर बन रहा है, जो कि वहाँ जिसके वहाँ जो रहते हैं उसके लिए पानी स्वच्छ होना चाहिए। आयरन जो है इसके कारण कुछ नहीं है, वो आयरन बालू धो रहा था, उसी का पानी गिर रहा है। तो लोगों का कहना है कि गंदा पानी है, तो गंदा पानी का कहीं प्रमाण दिखा देंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन गंदा पानी है नहीं, बालू धो रहे हैं, उसी का पानी गिर रहा है। इसकी शिकायत को लेकर आपके घर पे आए थे क्या उन लोगों ने? उन लोगों के लिए इससे पहले कोई कुछ नहीं बताए थे हमको। अभी आपके घर पे आए थे क्या वो लोग
बोलने के लिए पानी गिर रहा था, आप लोगों ने बताया क्या उन्हें कि 3 दिन गिराएंगे? जो अभी का गप नहीं है, 5 बजे का पहले लेबर का काम है, वो लेबर लोग करके गए हैं। आपका शुभ नाम? करके गए हैं कुमार। ये कौन सा जगह का मामला है? ये कटिहार का मामला है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 8 का। धन्यवाद।